क्या आप एक मैथ के टीचर हैं और चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग के लिए स्मार्ट बोर्ड लेना, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन आपको कुछ और नहीं मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन आपके मन में ये सवाल है कि इसे मैं कैसे यूज़ करूँगा या फिर मैथ पढ़ाने के लिए ये स्मार्ट बोर्ड मेरे किस काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका बेंचमार्क टेक्नोमेट के इस नए वीडियो में, जहां आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मैथ के टीचर हैं तो ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग के लिए आपको एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड क्या क्या सॉल्यूशंस देता है। मेरे पीछे है बेंचमार्क का स्मार्ट बोर्ड, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि इस स्मार्ट बोर्ड में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा मैथ्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये बोर्ड आपको मिलेगा, जो कि आप वेरियस रेंज में ले सकते हो और वेरियस साइज में ले सकते हो। 55 इंच का भी स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल है, 65 इंच का भी है, 86 इंच का भी है, इसके अलावा 96 इंच का भी है, और उससे ऊपर भी आप कस्टमाइज करवा सकते हो। लेकिन जो आपके ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट जो साइज होता है वो होता है 65 इंच और 75 इंच, जो कि सबसे बेस्ट माना गया है। जितने लोगों ने हमसे लिया है, जो भी हमारे बेंचमार्क के प्रीमियम कस्टमर्स रहे हैं या फिर अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगाया है, कोचिंग सेंटर्स में यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अधिकतर 65 इंच या 75 इंच का ही स्मार्ट बोर्ड हमसे परचेज किया है, और उसका उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसका जो व्यू रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है, तो काफ़ी बच्चे आपके साथ बैठ के इंटरैक्ट हो सकते हैं, और साथ ही ऑनलाइन टीचिंग में एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ दिखती है। तो जो आपको ये स्मार्ट बोर्ड देता है, सबसे पहले तो मेन्यू में ऑप्शन दे देता है बैकग्राउंड का, जिसमें टेम्पलेट और बैकग्राउंड रहता है। टेम्पलेट में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप नीचे जाओगे, अगर जैसे हैंड राइटिंग के अलावा आप नीचे जाओगे तो यहाँ एक बॉक्स वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता है, ये तो आप म्यूजिक के लिए मान लो यूज़ कर लिए, इसके अलावा कुछ इस तरीके का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जो मैं आपको एक बार हटा कर दिखा दूँ, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अलावा भी जो ऑप्शंस है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शंस जो कि आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आप यूज़ में कर सकते हो, वो तो बोर्ड ने आपको सबसे पहले मेन्यू में जाते साथ ही टेम्पलेट और थीम में दे दिया। अब जो थीम चाहिए, वो थीम मुझे मान लीजिए चाहिए बैकग्राउंड के लिए, अब मुझे वाइट चाहिए, मुझे वाइट में ही बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने में मज़ा आता है, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो वाइट थीम में पढ़ा लीजिए आप। लेकिन आप चाहते हो नहीं, कुछ और कलर्स के साथ मैं खेलूँ, कुछ और मैं देखूँ कि कुछ और ऑप्शंस मुझे मिले, तो वेरियस ऑप्शन है आपके पास, जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप कीजिए। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या ऑप्शंस आपको मिलता है। तो मैं बैकग्राउंड जो है वो टेम्पलेट मैं बहुत सिंपल रखूँगी, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, और अब चलते हैं, देखते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शंस और मिल रहा है। बैकग्राउंड का कलर जो कि आपको समझ में आए ज़्यादा अच्छे से, वाइट रख देती हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पेन का ऑप्शन है, पेन में अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं, जो कि आप और वीडियोस देखिएगा उसमें डेमो मिल जाएगा, लेकिन ये बकायदा मैथ्स के लिए है, तो इसलिए मैं आपको मैथ्स का दिखाऊंगी। तो मैंने सिंपल एक पेन चूज़ किया, ब्लैक कलर लिया, अब मैं इसमें लिखूंगी। आपने मान लीजिए कुछ लिखा, लेकिन आपको इसको इरेज करना है, आपको नहीं समझ में आया, आपको बस हाथ यूज़ कर लेना है, जैसे आप डस्टर यूज़ करते हो, इरेजर का ऐसे आपने यूज़ कर लिया और आपने जो भी लिखा वो मिट गया। ठीक है, अब इसके अलावा आपको, आप चाहते हो कि स्केल का आप यूज़ करो, तो यहाँ पे वेरियस स्केल के ऑप्शन मिलेंगे, एक एक करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो कि मैथ्स में यूज़ होता है। ये आपको यहाँ स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हो, जैसे बच्चों को जो आप हाथ में लेके पढ़ाते हो, वो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक स्केल का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, आप इसे जानते हैं कि इसका क्या यूज़ है, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा, जो जियोमेट्री में यूज़ होता है मोस्टली, वो आपको यहाँ पे, जो रूरल आप कहते हो, वो आपको मिल जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो ये आपके लिए इजी हो गया, इसे आपको हाथ में किसी चीज को लेके बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके बोर्ड पे है जिसे लेकर आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। अब चलिए देखने की एक मैं यहाँ इसमें ज्योमेट्री का जो शेप है, जो ज्योमेट्री का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो एक मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। जैसे इसे मुझे अगर यूज करना है तो मुझे अगर इसे 120 डिग्री पे यूज करना है तो ये मेरा रेडी है, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आपको और क्लियर कट में अगर दिखा दूं, सब मैं अगर क्लीन करके सिर्फ इसका शेप मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। अब देखिए मैं सिंपल इसमें गई, मैंने सेलेक्ट किया जिसे हम लोग चांद कहते थे बचपन में, आप पढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे 90 डिग्री लेना है, जो बच्चों को मुझे 90 डिग्री में बताना है। ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। इट्स वेरी इजी, जिसमें आपको हाथ में कुछ भी कंपास लेकर या चांद लेकर ये सब किसी चीज का जरूरत नहीं है, आप सीधे इसे यूज कीजिए और आप इजीली इसमें जो भी बच्चों को ज्योमेट्रिकल चीजें सिखानी है, ज्योमेट्रिकल मैथ्स पढ़ाना है, वो आप पढ़ा सकते हो। तो आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। अब बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं शेप में, जो कि बहुत जरूरी रहता है अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो। तो इसमें जो शेप का ऑप्शन है वो 2D, 3D सारे शेप्स अवेलेबल है। सबसे पहले 2D में देखते हैं क्या क्या शेप्स अवेलेबल है। एक एक करके मैं यहाँ सर्कल आपको बना के दिखा देती हूँ, जो जो शेप है यहाँ वो सब आप देख लीजिए, ठीक है। ये सारे शेप्स इसमें अवेलेबल, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ताकि सपोज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या शेप्स है, तो ये सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। मोस्टली जो शेप्स का हम यूज करते हैं वो इसी तरीके के शेप्स का हम यूज करते हैं ना, तो ये सारे शेप्स आपको इसमें पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको ड्रॉ करने की नहीं जरूरत है, इसमें ऑटोमेटिकली वो सेव है, जिसका आपको बस यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं 3D शेप में। अब इस तरीके का भी शेप आपको बनाने का जरूरत नहीं है, ये आपने देख लिया, मैंने बना दिया। अब इसमें मैं आपको एक और मैजिक दिखाऊंगी। यहाँ है सिलेक्शन टूल, अब मुझे इसको मूव करना है, ठीक है। अब मैं इसको जहां भी लेके जाना चाहूँ वो मैं लेके आ जा सकती हूँ, ठीक है। मुझे जहां भी इसको रखना है मैं लेके आ जा सकती हूँ। अब मुझे इसके अलावा अगर इसमें जो सबसे ऊपर है, मैं आपको ये दिखा दूँ, अब मुझे इसमें कलर चेंज करना है, मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ, जो कलर मुझे दिखाना है मैं वो कर सकती हूँ, फ्लिप हो सकता है ये। सो ये सारे ऑप्शंस के साथ ये आपको बोर्ड अवेलेबल रहता है, जो कि मैथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैं भी जब बचपन में पढ़ती थी तो ये सारे शेप्स जो मेरे टीचर थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, वो एक वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे बना के दिखाते थे, तो थोड़ा हमें समझने में मुश्किल होता था, क्योंकि मान लीजिए अगर शेप जरा सा भी बिगड़ गया तो बच्चों को समझने में हो जाता है मुश्किल। तो एक टीचर को बहुत कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है कि मैं जो शेप बना रहा हूँ क्या वो सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ। तो ये जो आपका समस्या है, इस समस्या को एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड दूर करता है। अगर आप भी डेमो लेना चाहते हैं, इस बोर्ड का अलग अलग इंच का प्राइस जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है बेंचमार्क टेक्नोमेट का, हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम में आप बात कीजिए, आप हर चीज के बारे में जानकारी वहां ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।